गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी बहुत फेवरेट सीरीज़ है एशेज ऑफ लव। द अनटेम्ड के बाद अगर कोई सीरीज़ जो मैं बार बार देखती हूँ वो यही सीरीज़ है। प्लीज़ एक बार इस सीरीज़ को ज़रूर देखना। हालांकि सीरीज़ थोड़ी लंबी है, 63 एपिसोड्स हैं, लेकिन जब आप 63 एपिसोड पर आओगे तो आप खुद कहोगे इसमें और एपिसोड्स होने चाहिए थे। इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक भी एपिसोड आपको बोर नहीं करेगा। तो चलिए अब फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है फ्लावर रैल्म से। तो इस सीरीज में आपको रैल्म्स देखने मिलेंगे, यानी कि आप राज्य कह सकते हो। फ्लावर रैल्म है, हेवन रैल्म है, डेमोन रैल्म है, तो इस तरीके से आपको राज्य देखने मिलेंगे। तो फ्लावर रैल्म में फ्लावर रैल्म की गॉडेस जी फैन प्रेगनेंट है और जन्म देने वाली है। वो एक क्यूट सी लिटिल डॉटर को जन्म देती है, लेकिन वो सबसे कह देती है कि अगर किसी ने भी ये इन्फॉर्मेशन बाहर फैलाई कि ये मेरी बेटी है तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी, और उसे एक पिल खिलाती है और कहती है इस पिल को खाने के बाद मेरी बेटी कभी नहीं जान पाएगी कि प्यार क्या है और ना कभी किसी से प्यार कर पाएगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ वैसा ना हो जो मेरे साथ हुआ, प्यार में धोखा मिला और सिर्फ दर्द मिला। अगर मेरी बेटी प्यार नहीं करेगी तो वो हमेशा एक अच्छी जिंदगी जिएगी और खुशहाल रहेगी। दूसरी तरफ एंट्री होती है वाटर इमोर्टल और विंड इमोर्टल की, जो आपस में शादी करने वाले हैं। लेकिन वाटर इमोर्टल कहता है जिफैन, मुझे एम्परर के कहने पर यह शादी करनी पड़ रही है, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ ही रहेगा। एम्परर साथ में ये भी कहता है कि वाटर इमोर्टल का पहला बेबी जो भी होगा, अगर वो लड़का हुआ तो वो उनके पहले बेटे के साथ एक अच्छा भाई बनकर रहेगा, और अगर वो लड़की हुई तो वो उनके पहले बेटे की वाइफ बनेगी। बस यही बात जो एम्परर ने कही आगे जाके इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है दो भाइयों में। आगे ये शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इधर जीफैन अपनी बेटी का नाम जिनमी रखती है और कहती है कि वो गॉडेस बनकर नहीं रहेगी, वो एक सिंपल लाइफ जिएगी, और मुझे डर है कि 10,000 साल बाद उसे एक लव ट्रायल का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो 10,000 साल तक फ्लावर रैम से बाहर ना निकले और सबको मेरा ये आदेश मानना होगा। ऐसा कहकर वो मर जाती है। जीफैन के मरते ही फ्लावर रैम से सारे फूल झड़ जाते हैं और पूरी दुनिया 10 साल तक मौन में चली जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। जिनमी बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो फ्लावर गॉडेस की बेटी है, और वो अपने आप को एक छोटी मोटी ग्रे फेरी समझती है। तभी वहाँ फ्लावर रैम की चीफ आती हैं, जो कि जिनमी के साथ बहुत सख्त हैं और उसकी स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करने के लिए उससे लड़ती हैं। लेकिन वो देखती हैं कि जिनमी की स्पिरिचुअल पावर बहुत लो है, और वो उसे डांटने लगती हैं कि 4,000 सालों में तुमने सिर्फ आलस करना ही सीखा है। जिनमी फ्लावर रैम से बाहर ना जा सके इसलिए वहाँ एक वाटर मिरर लगा दिया गया था। चीफ उसे समझाती हैं, अगर तुम इस वाटर मिरर से बाहर जाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर ध्यान देना होगा। जिनमी कहती है कि वो समझ गई और वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। जिनमी सो क्यूट यार, यांगजी इज एक्चुअली माय फेवरेट चाइनीज एक्ट्रेस, इसलिए कह सकते हैं शायद इसलिए ड्रामा मुझे और भी ज्यादा पसंद है। अब चीफ उससे पूछती हैं, क्या तुम भूल गई आज क्या दिन है? जिनमी को काफी समय बाद याद आता है कि आज फ्लावर गॉडेस जिफैन की डेथ एनिवर्सरी है। दूसरी तरफ हमारे हीरो शुफैंग की भी एंट्री होने वाली है। नियमों के मुताबिक शुफैंग को अपनी स्पिरिचुअल पावर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 49 डेज तक रीबर्थ लेना था, और आज उसका आखिरी दिन था। शुफैंग के रीबर्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए शुफैंग की माँ लाओ युआन को क्यूवू पैलेस की रखवाली करने को भेजती है। लाओ युआन जो कि शुफैंग का असिस्टेंट था, और क्यूवू पैलेस शुफैंग के पैलेस का नाम था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनमी फ्लावर रैल में रहते रहते बोर हो गई है और वो बाहर की दुनिया भी देखना चाहती है। फ्लावर रैल में रहने वाला इकलौता मेल, जिसे कैरेट फेरी भी कहते हैं, वो जिनमी को समझाता है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और उसे बाहर जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और फ्लावर रैल की चीफ और बाकी सब मिलकर फ्लावर गॉडेस जिफैन के लिए वर्शिप करते हैं। चीफ जिफैन की स्मारक के सामने जिनमी को घुटनों पर बैठे रहने की सजा सुनाती है। यहाँ हमें रेड ड्रेस में एक सस्पिशियस लेडी दिखाई जाती है, जो कि रेड फेरी से बात कर रही थी। रेड फेरी उससे कह रहा था कि आज रात को फीनिक्स, यानी कि शुफैंग को फीनिक्स भी कहा जाता था, फीनिक्स की रीबर्थ की समय उसकी पावर सबसे कम होंगी, क्या हमें सच में ये कदम उठाना चाहिए?
तो वो लेडी कहती है, मैं बहुत समय से इस वक्त का इंतजार कर रही थी, फ्लावर रेल में उस फेरी के पास किसी को भेजो। तभी हम देखते हैं जिनमी जब अपनी पनिशमेंट में बैठी हुई थी तभी उसके पास स्नेक फेरी यानी कि येन्यू आता है, जिसे जिनमी प्यार से पूछी चैन बुलाया करती थी। येन्यू जिनमी से स्पिरिचुअल पावर्स लेने आया करता था क्योंकि एक बार येन्यू ने जिनमी की मदद की थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक बार जिनमी और उसकी फ्रेंड रोडो वाटर मिरर से बाहर निकल गए थे और उनके ऊपर एक विशाल जीव चिंची ने अटैक कर दिया था, जिससे उसकी दोस्त रोरो मारी गई थी। येन्यू उसे एक प्लांट देते हुए कहता है कि उसकी दोस्त रोरो अब इस प्लांट की फॉर्म में है। येन्यू उसे बताता है कि अगर वो चाहती है रोरो वापस पहले जैसी हो जाए तो उसे किसी ऐसे इंसान से मिलना होगा जिसकी स्पिरिचुअल पावर्स बहुत हाई हों। अब एंट्री होती है हमारे सेकेंड मेन लीड की यानी कि नाइट इमोर्टल की, जो कि शूफेंग का सौतेला भाई है। नाइट इमोर्टल अंदर जाता है तो वो देखता है किसी काले कपड़े पहने हुए इंसान ने उस पर अटैक किया। वो बचने की कोशिश करता है तो उसका हाथ घायल हो जाता है। नाइट इमोर्टल तुरंत ही शूफेंग के पैलेस कीव्यू पैलेस पर जाता है और लाओ युएन से कहता है, क्या उसने काले कपड़ों में पहने किसी इंसान को यहाँ आते हुए देखा? मुझे डर है कि वो इंसान जरूर यहाँ शूफेंग को तकलीफ देने आया है। वो क्यू पैलेस में अंदर जाने के लिए बोलता है लेकिन लव युएन कह देता है कि एम्प्रेस यानी कि शूफेंग की माँ ने मना किया है कि वो पैलेस में अंदर किसी को न जाने दें। अब शूफेंग के रीबर्थ का समय आता है। शूफेंग का असली रूप एक फीनिक्स का था इसलिए वो फीनिक्स की फॉर्म में आ जाता है, लेकिन उस पर तुरंत ही अटैक हो जाता है जिससे शूफेंग घायल होकर फ्लावर रेल्म की तरफ बढ़ने लगता है। शूफेंग को फ्लावर रेल्म की तरफ आता देख जिनमी सोचती है कि वो कोई टूटता तारा है और प्रे करने लगती है कि वो किसी ऐसे इंसान से मिल जाए जिसकी स्पिरिचुअल पावर्स बहुत हाई हों। शूफेंग वाटर मिरर को तोड़ता हुआ जिनमी के गार्डन में गिर जाता है। जिनमी उसको देखकर सोचती है कि वो कोई क्रो है और उसे बचाने का सोचती है और उसे मिट्टी में गाड़कर पानी देने लगती है क्योंकि वो फ्लावर रेल्म में रहती आई है और फ्लावर्स को तो ऐसे ही उगाया जाता था। इधर लान युआन शूफेंग के पेरेंट्स को खबर करता है कि शूफेंग अपने बर्थ के समय गायब हो गया। जिनमी वापस उस क्रो के पास आती है और सोचने लगती है, जरूर ये क्रो बहुत पावरफुल है क्योंकि इसने हमारे वाटर मिरर को तोड़ा, और सोचने लगती है अगर मैं इस क्रो को पकाकर खाऊं तो इसकी पावर मुझे भी मिल जाएगी। उस क्रो को पकाने के लिए बर्तन ढूंढने के लिए जाती है लेकिन जब वो वापस आती है तो क्रो यानी कि फीनिक्स वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है और वो शूफेंग का रूप ले लेता है। क्योंकि जिनमी हमेशा फ्लावर रेल्म में रहते आई है जहाँ कोई मेल्स नहीं है तो उसे मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं पता था। शूफेंग के प्राइवेट पार्ट को देखकर सोचने लगती है, हो सकता है उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर्स इस पार्ट में हो, और वो उसे काटने ही वाली होती है कि शूफेंग अचानक से जग जाता है और उसे देखकर कहने लगता है, क्या तुम कोई ईविल स्पिरिट हो? तो जिनमी कहती है, मैं कोई ईविल स्पिरिट नहीं हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मल सी ग्रेव फेरी हूँ, मैंने तुम्हें बचाया है तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो शूफेंग कहने लगता है, तुम मुझे एक नाइफ के जरिए बचा रही थी? तो जिनमी कहती है, हाँ लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे पेट के पास एक ट्यूमर है, मैं बस उसे निकालना चाह रही थी, अब तुम ठीक हो गए हो तो लेट जाओ, मैं तुम्हारा ट्यूमर निकाल देती हूँ। शूफेंग उसका हाथ पकड़ता है तो वो समझ जाता है कि वो एक फीमेल है और उसे कहने लगता है, तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं पता? फिर कुछ देर बाद कहने लगता है कि मैं समझता हूँ तुम अभी भी यंग हो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। फिर शूफेंग जिनमी के बालों में मैजिकल हेयर पिन देखता है और सोचने लगता है, अगर ये एक नॉर्मल फ्रूट फेरी है तो इसके पास ये हेयर पिन कैसे आया? अब सुबह होती है और जिनमी शूफेंग के लिए नाश्ता लेकर आती है लेकिन वो नाश्ते में कीड़े लेकर आती है क्योंकि वो यही सोचती थी कि शूफेंग एक क्रो है। शूफेंग उससे कहने लगता है, तुमसे किसने कहा कि मैं एक क्रो हूँ? और फिर उसे अपनी असली फॉर्म दिखाता है। अब शूफेंग उससे कहता है कि यहाँ आसपास पानी कहाँ मिलेगा। जिनमी उसे एक कुएं के पास लेकर आती है। शूफेंग मैजिक यूज करता है और पानी पीने लगता है। जिनमी ये देखकर शॉक रह जाती है और उससे कहने लगती है, दोस्त मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी स्किल्स इतनी अच्छी हैं, क्या तुम मुझे बताओगे मैजिक में इतना अच्छा होने के लिए कितना टाइम लगता है? शूफेंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ के पानी पीने लगता है। तभी शूफेंग देखता है कि जिनमी उसी कुएं में पैर धो रही थी। और यहीं पर एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। आई होप आपको फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी, पर कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपको फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।